से कम 20 तो सीएम विंडो लगा चुके हैं और 22 पीएम विंडो लगा चुके हैं। तो मेरे पिताजी की पेंशन कटवा दी गलत रिपोर्ट करके, हमारा मकान तोड़वा दिया। सरपंच को प्रिय आरोप लगाए हैं कि सरपंच थे, हमने वोट नहीं दिया तो उसने हमारा नाश खा दिया। हर बार बार मारने की सरपंच तक मारने की धमकी दी जा रही है। जल्याणी है देश में क्रांति, तो देखा करो संसार क्रांति। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौरान, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं रेवाड़ी जिले के कोसली तहसील के अंदर खड़ा हूं और यहां पे एक ऐसा मामला सामने आया है। अब कोई कम से कम 20 तो सीएम विंडो लगा चुके हैं और 22 पीएम विंडो लगा चुके हैं। एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनका घर जबरदस्ती तोड़ा गया है, ऐसे उनके आरोप हैं। एक ऐसे शख्स भी यहाँ पर बैठे हैं जिनने सरपंच को ऊपर आरोप लगाए हैं कि सरपंच थे, हमने वोट नहीं दिए तो उसने हमारा नाश ठा दिया। फिलहाल वो भाई भी बैठे हैं, उससे भी जाके आप बातचीत करेंगे कि कुछ पूरा मामला है। और गेल इस खबर ने इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई। फिलहाल मैं तहसील के अंदर मौजूद हूँ जो कि कोसली की तहसील, आप देख सको सीधी तस्वीर। ये वो भाई साहब हैं, राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या नाम है जी आपका? इंद्रजीत नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? श्याम नगर का। कि कुछ मामला हो गया जी, आप बताया जा रहा है कि भाई आप सरपंच भी दबाव डाला गया, आपका मकान भी तोड़ दिया। भाई ऐसा है, वोट बैंक की राजनीति, हमने उसकी वोट दी नहीं सरपंची की, हमने और दूसरे की दी थी, वो गया हार और ये बन गए। इन्होंने बार बार जैसे छोटे भाई को गोट के बार बार रास्ते में कहने लगा कि तने हमारी वोट नहीं दी, तो मेरे पिताजी की पेंशन कटवा दी और हमारे ऊपर अंतरे के आलेशन लगा, परेशान किया गया। आखिरी में गलत रिपोर्ट करके हमारा मकान तोड़वा दिया गया। मकान तोड़ाने का किस तरह के था जी? मकान तोड़वा दिया इनने। जैसे मेरा मकान है 151 में, 151 नंबर में ये मकान है मेरा, ये हाँ, और इसमें 102 में दिखा के पैमाइश। 102 सरकारी है? हाँ, ये पंचायती है। हाँ, पंचायती प्रॉपर्टी। आपका मकान का दिखा दिया कि भाई इसमें है, पंचायती में तोड़ दिया। हाँ, हालांकि है आपका इस जगह। हाँ, हाई कोर्ट में इन्होंने ये रिपोर्ट बना के दे दी, इसका 102 में है पंचायत के में, उसमें बना के ये मेरा मकान तोड़वा। प्रशासन की तरफ से कोई कुछ नहीं है? प्रशासन ने SDM साहब के नाम ऑर्डर आया था, उनके गिरदार ने, उन्होंने ये रिपोर्ट बना के भेजी, उसी से मेरा मकान टूट गया। हाँ, SDM साहब ने मतलब आप तब मिले बाद में, फिर कोई आश्वासन दिया? मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं एक दिन पहले मिल के गया, कल भी मिल के गया, साहब मेरी कोई कार्रवाई, आपने मेरा गलत मकान तोड़वा दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, आप गिरदावर जो भी हैं, आपके पैमाइश वाले जिसने भी ये रिपोर्ट आपको सबमिट की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये सीमेंटो इतनी ये सीमेंटो लगाई गई थी लगभग, आप देख सको 20 से 22 है। ये देख सको इसकी ले भाई, इतनी सीएम विंडो पीएम विंडो लगा दी कोई। ये देखो भाई 20 तो सीएम विंडो लाग रही हैं और 22 पीएम विंडो लाग रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं। दूर तो ले भाई, इनके नंबर और ले ले। और पंचायत में कम से कम प्रशासन से मांग है कि भाई जितनी भी सीएम विंडो लगाई गई हैं इनके ऊपर एक बार जरूर तो जरूर संज्ञान लिया जाए, ताकि इसने अगर कोई इतनी सीएम विंडो लगावा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर आ रहा है। ये किस किस बारे में है जी? ये गांव का विकास कार्य में जो अवैध कब्जा है और उनने जो मिट्टी सरपंच ने प्राइवेट संस्थाओं को बेची है, अवैध जोड़ खुदवा के, और गलत सारे जो गलत काम किए हैं उनकी हैं, उन पे पर कोई कार्रवाई नहीं की किसी प्रकार की। आप किसकी मानने लग रहे हो? प्रशासन की, सरपंच की, वीडियो ब्लॉक के जो अजीत सिंह चहल थे, सब एक में गेल पड़ रहे हैं। हाँ, सब के खिलाफ हो रहा है जी। अब ये दिवाई थी, ये आज सवा महीना हो गया। अच्छा, ये ऑर्डर किया हुआ है उत्तम सिंह साहब ने, इसी विंडो को ऑर्डर किया 2 साल पहले हटाने का, इनका नहीं हटा। ये सरपंच के निजी आदमी थे, इनका मकान नहीं हटा, मेरा गलत नंबर में दिखा के मेरा हटवा दिया और बार बार मारने की, सरपंच की तरह मारने की धमकी दी जा रही है। सरपंच और गाँव के 8-10 लोग हैं उनके, मारने की। हाँ, मारने की पहले मेरे भाई को यहीं तहसील में दी थी। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच अनीता है, उसके ससुर का नाम सतपाल सिंह, उसके एक हस्बैंड का नाम विक्रम। सरपंच महिला है? हाँ, महिला है, उसका ससुर, उसका हस्बैंड और उसका काक सरा काम धाम संभालते रोशनलाल, ये तीनों चार जने। अच्छा जी, धमकी किसने दी है जी? विक्रांत ने दी थी यहीं उत्तम सिंह साहब की, यहाँ गोली मार देंगे कई दिन 2 साल पहले। आपने FIR कटवाई जी? FIR नहीं कटवाई, फिर गलती चलती यही मान ली, गलती होगी यहाँ से वहाँ से फलाना देखा। अच्छा, माफी साफी मांग ली थी, लेकिन प्रयास करे गए हैं भाई? प्रयास कराया गया था, गांव में भी एक आध बार गाड़ी गुड्डी भाई का आगे लगाई गई थी गोटन गाटन का चक्कर में। आपका भाई का क्या नाम है जी? दिनेश कुमार। अच्छा, मामला शुरुआत कहाँ से हुई जी, आप बताना चाहिए? सरपंच खिलाफ हो गया बिल्कुल। सरपंच शुरुआत मामला जी वोट बैंक के थे, हमने उसकी वोट नहीं दी। अच्छा। हमने जिसकी वोट दी थी वो हार गया था और ये बन गया, उसी बात पे वो हुआ था,
और कोई ना ही हमारी कोई निजी दुश्मनी थी, ना ही किसी प्रकार कोई लेन देन था। इनका मकान परली तरफ है, 1 किलोमीटर मेरा परली तरफ है, गांव के दोनों तरफ अलग अलग है। हाँ जी, अभी फिलहाल आप आगे की कार्रवाई करना है? आगे मैं अभी कुछ मीडिया के जरिए, जैसे जो भी भाई प्रशासन, मेरा ये जो नुकसान हुआ है, जो किसी भी प्रशासन अधिकारी उन गलत काम उनकी कार्रवाई की जाए, और भाई मेरे को जो नुकसान हुआ मुआवजा वगैरह। एसडीएम साहब का क्या नाम है? होशियार सिंह नाम है। हाँ, तो भाई फिलहाल यहाँ के जो एसडीएम है, ये जो मकान तोड़ाया गया है जी, ये दूसरी जगह दिखाया कि नहीं आपका, तो पक्के सबूत एक बार दिखाइए जी, मकान तोड़ाया है उसकी फोटो फाटो ले रहे हो तो कोई ये फोटो दिखाओ जी। फोटो ये है, ले रखी है? हाँ, फोटो ले रखी है जी। ये रहा, ये देखो, ये मकान की, ये तीन, अच्छा ये तोड़वा दिया यहाँ से। तीन कमरे थे, 80-90 फुट का, 8-8 फुट का डंडा था लगभग। अच्छा जी। हाँ जी, प्रशासन साथ में था जी जब तोड़ा? प्रशासन साथ में था, प्रशासन की भी फोटो है ये। प्रशासन वो अत्री थे नहर विभाग के, एसडीओ साहब वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए हुए थे, पुलिस बल। आपने उन्होंने यह बात बताई नहीं है कि भाई मेरी नूनू गलत जगह पर, भाई मैंने ये बात 102 नंबर में दिखाया मेरा मकान, मैंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हम नहीं रुक सकते, ये बात हाई कोर्ट का आदेश था जी। हाँ, हाई कोर्ट का आदेश था, मैंने अपील करी थी, लेकिन इन्होंने पैमाइश, जैसे एसडीएम साहब के नाम पैमाइश, हाई कोर्ट से मतलब उन्होंने धोखाधड़ी करी है, उन्होंने हाई कोर्ट ही झूठी रिपोर्ट भेज के ही तो तुड़वा दिया। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट तो अपनी जगह ठीक है, उसको तो उसको ये बताया गया 102 नंबर में आपका मकान, लेकिन उनके साथ भी खिलवाड़ कर, उनके साथ ये यहाँ का प्रशासन ने रिपोर्ट झूठी बना दी ना, जैसे मेरा पैमाइश करवा रखी, ये फिर बाद में मैंने पैमाइश किसके साथ, किसके द्वारा करवाई गई, ये किरदार साबर रमेश कुमार उनसे करवाई थी जी। ये सारे स्टैंप वगैरह देखो लग रही हैं, और ये आपका मकान है जो ब्लैक वाला? ब्लैक वाला मेरा मकान है। इस मकान ये कितने नंबर में है जी आपका? 151 में है जी। 151 में है सारे मेरे दादाला यार, ये 102 बंजर का, इसमें दिखा के मेरा मकान तुड़वा दिया। जो तुड़वाया गया उसके कुछ कागज ले रहे हो जी आप, जिसमें 102 में दिखा के तुड़वा गया है? नहीं, यही है प्रूफ, और तो कागज मेरे पास कोई नहीं है। अच्छा जी, गिरदावर जी ने मतलब वो करी है पैमाइश करके, मशीन द्वारा पैमाइश करके, और ऑनलाइन मशीन जो जीटीसी कौन सी मशीन होती है उससे पैमाइश करके यहाँ दर्शाया गया ये मेरा मकान है। और इन्होंने मेरा मकान यहाँ दिखा के, एक रिटायर गिरदावर है मीर सिंह, उसका नाम 7VCL में यहाँ था भी नहीं पैमाइश में, सतबीर का नाम था, लेकिन सरपंच ने यहाँ का जो प्रशासन को जो भी रीडर वीडर जो भी देखते हैं उन्होंने मिलके और मीर सिंह से फर्जी तरीके से करवा के और उसके ना वो पैमाइश लगवा दी, वही पैमाइश यहाँ सबमिट करवा दी। हाँ, यहाँ सतीश गिरदावर ने 2 बार पैमाइश करी, एक बार 3 मार्च को, 3 मार्च को मेरा मकान आया 60 फीट दूर, और फिर 9 मार्च को मेरे घर चाय पीने के बहाने बार बार फ़ोन करके मैं बोल भाई होले काम, और फिर ये मेरा मकान इसमें दिखा कर ये गलत रिपोर्ट भेज के मेरा मकान तोड़वा दिया। अच्छा, आप क्या काम करें? मैं जी बस चलाता हूँ स्कूल की। तो भाई फिलहाल एक आपसी रंजिश, जो कि वोटा अगर वोट नहीं दिए तो उसके ऊपर रंजिश निकाली गई, ऐसे भाई साहब के सरपंच के ऊपर आरोप हैं, और सरपंच ने ऐसे भाई ये भाई साहब बताना करें भाई, सरपंच ने रंजिश के कारण भाई वोट तो दिए को नहीं, तो रंजिश के कारण मेरा मकान तोड़वा दिया, और आप FIR वगैरह भी करा रखी है जी? कल FIR कर दी थी BDO ब्लॉक ने। इस मामले में आग ये जैसे 102 में मारा पंचायती जमीन बना लिया, जबकि मैं थाने में कागज लेके गया, उन्होंने उनकी FIR मेरे को कहा भाई सोमवार को लेके आएंगे तब आना, ये बोला। मतलब FIR किस मामले में हुई? FIR ने कर दी कि 102 में कर लिया इनने कब्जा फिर दोबारी। और आपने कर रखा है नहीं? नहीं, मेरा 102 का कोई, मेरा 102 से 4 इंच दूर है, 4 इंच दूर है मेरा मकान, 4 इंच दूर है। और अब वो यारिश पटवारी है BDO ब्लॉक का, एक गिरदा वो ग्राम सचिव है करमवीर, उन दोनों ने 2-3 बार जाते हैं घर और धमकी वगैरह देते हैं, कल FIR करा दी। एक बात मैं आपने बता दूं जी, अगर इसमें आपकी बात में किसी में भी झूठाई झूठ मिली तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी? हमारी जिम्मेवारी होगी। जो 102 में मिला था, हाँ 102 में मिला, तो जो जिम्मेवारी हमारी, जो पहले नुकसान होगा वो हम कबूल कर लेंगे, अगर हम गलत हुए तो हम जो भी दंड होगा हम भुगतेंगे। और सरपंच ने कम से कम 1.25 करोड़ का विकास कार्य में गमन किया हुआ है, उसकी जाँच करवाई जाए, इतने PM window लग रही है। तो भाई फिलहाल इनकी एक मांग है, अगर भाई ये जितनी सीएम विंडो लग रही हैं इनको ऊपर एक बार जांच जरूर होनी चाहिए, ये देखो आप कितनी सीएम विंडो लग रही हैं, कितनी पीएम विंडो लग रही हैं,
और इनके ऊपर जांच के ये कहना चाहूँगा भाई इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो सरपंच जो है उनके ऊपर सारी सीमेंट उन्हीं के ऊपर लाग रही है जी हैं। अगर भाई किसी ने सरपंच ने कहीं पर विकास नहीं कराया और किते किते मिट्टी करके मतलब घोटाला का पर्दाफाश करने खातर इनने भाई साहब ने ये सीमेंटो लगा रखे हैं, पीमेंटो लगा रखे हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ऐसा भाई साहब के आरोप हैं। अगर भाई मेरे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन से के मांग करो, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कीजिए, इतनी सीमेंट मांग के करो जी सर, मांग ये करे जी प्रशासन और सरकार यही मांग भाई हमारे साथ जो गलत हुआ है वो किया जाए, उसके विकास कार्यों का जो भी गमन किया है सरकार का पैसा हड़पा है उनके कार्रवाई होनी चाहिए। चलो जी, तो भाई फिलहाल गल गेल की गली से वीडियो ने इस खबर ने शेयर कर दो, फिलहाल एक आपसी रंजिश एक वोटा की रंजिश का कारण इन भाई साहब के साथ ऐसा होया है, ऐसे इनके आरोप हैं। तो इन आरोपों को भाई जो ये बताने लायक रहे हैं उनकी सही तरीके से जांच हो जाए, उनकी तह तक पहुंचा जाए अगर भी आरोप सही हैं या फिर गलत है, ऐसी प्रशासन से हमारी मांग है, सरकार से ऐसी मांग है कि भाई अगर इसके साथ गलत होया है तो जिसने गलत कराया है उसने सज़ा मिलनी चाहिए, अगर प्रशासन में तो किसी अधिकारी ने गलत कराया है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ सुमित चौरान, संसार क्रांति।